for all the garma garam Bollywood gossip news and more. Download the Zoom app now. Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek tees khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. Tees khabrein fatafat. शाहरुख खान ने किया है कन्फेस कि उन्हें है पसंद कमिटेड वुमेन। एक इंटरव्यू में एसआरके ने दिल खोलकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पेशा बन गया है कमिटेड लेडीज के पीछे भागना। एसआरके ने खुद को रोमांस का बादशाह भी कहा है और ये कह दिया है कि वो लव के बारे में सब कुछ जानते हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर ने रिसेंटली एक चैट शो में किया बोल्ड कन्फेशन। इस शो में जब शाहिद से पूछा गया क्या उन्होंने एक से ज्यादा अपने कोस्टार्स को डेट किया है, तो शाहिद ने इस पर कहा ट्रू। वेल, अब आप भी समझ गए होंगे कि शाहिद की शादी से पहले आने वाली लिंकअप की न्यूज में होता था कितना दम। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान का दबंग अंदाज उन्हें पड़ रहा है महंगा। सोर्सेस की माने तो सलमान खान को उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए लीगल बैटल फेस करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र वुमेन कमीशन ने इस मामले में लीगल ओपिनियन मांगा है ताकि वो इस मामले को कंक्लूजन तक पहुंचा सके। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा नजर आई अपने सिजलिंग हॉट अवतार में फॉर द हेलो मैगजीन फोटो शूट। वी गॉट सम ग्लिम्पसेस फॉर यू ऑफ दिस ग्लैम डीवा। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर हैं फेमस अपने आउटस्पोकन नेचर की वजह से, इसीलिए सोनम को मोटा माउथ कपूर का टैग भी दिया गया है। पर एक इंटरव्यू में सोनम ने किया है एडमिट कि वो करती हैं लोगों को एम्बैरेस। इस इंटरव्यू में जब सोनम से पूछा गया था कि उनका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या रहा है, उन्होंने फट से कह दिया कि वो अपने आसपास सभी को एम्बैरेस करती रहती हैं। क्या सोनम का ये एक्नॉलेजमेंट कर रही है कोशिश टू रिमूव द मोटा माउथ टैग। 30 खबरें फटाफट। क्या शाहरुख खान सोनम कपूर के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? वेल, सोनम तो यही मानती हैं। सोनम को लगता है कि शाहरुख खान उनके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। ऑल्दो सोनम के सामने कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आईं जिसमें उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, बट नथिंग मटेरियलाइज्ड। रिसेंटली सोनम कपूर ने खुद ये रेवलेशन किया कि किंग खान के साथ फिल्म करने के लिए शी रीच्ड आउट टू हिम। 30 खबरें फटाफट। Later on the show. शाहिद कपूर के फ्रेंड्स एक वक्त पर उनके घर का खाना नहीं खाया करते थे। 30 कपूर ने तोड़ी फरहान अख्तर के साथ अपने लिंकअप की खबरों पर चुप्पी। रिसेंटली श्रद्धा से जब फरहान के साथ उनके लिंकअप को लेकर सवाल किया गया तो श्रद्धा ने जवाब देते हुए उन रूमर्स को अनफेयर बता दिया। श्रद्धा का कहना है कि उन्हें लिंकअप्स की न्यूज बहुत बॉदर करती हैं, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान उनके काम से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर चला जाता है। साथ ही श्रद्धा ने कहा, लिंकअप्स हैव ऑलवेज बॉदर्ड मी, बी इट विद हूएवर इट हैज बीन इन द पास्ट, बिकॉज आई फील लाइक इट इज वेरी अनफेयर ऑन an actor, especially when you're working together and you are also giving an interview. 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना केप टाउन में हॉलिडे मना रहे हैं और ट्विंकल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पिक्चर शेयर किया है। इस पिक्चर को शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा है, यू नो यू हैविंग अ गुड टाइम व्हेन यू डोंट रियलाइज हाउ डेज हैव पास्ड, लास्ट डे इन पैराडाइज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। 30 खबरें फटाफट।
रणवीर सिंह ने दिया शादी का इशारा। रणवीर सिंह ने कहा कि उन्हें अब एक सब्सटेंशियल रिलेशन की तलाश है। ही थिंक्स ही हैज हैड हिज शेयर ऑफ फ्लिंग्स एंड नाउ ही वांट्स टू हैव किड्स। 30 खबरें फटाफट। कैटरीना कैफ आजकल जिम में काफी टाइम स्पेंड कर रही हैं और कैटरीना ने अपने जिमिंग सेशन की एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो नजर आ रही हैं काफी स्वीट एंड क्यूट। वेल, रणबीर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना पहले ही कह चुकी हैं कि ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है जिम। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का तो बहुत फियरफुल निकली, वही उनके बॉयफ्रेंड विराट हैं बिंदास। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो इसका रीजन भी सुन लीजिए। दरअसल जब अनुष्का प्राग में थी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए और विराट उनसे मिलने प्राग गए, तब दोनों टाइम निकाल कर पहुँचे एक स्टोर में शॉपिंग करने जहाँ एक इंटरनेशनल ब्रांड को लॉन्च किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत केओस था स्टोर में क्योंकि स्टोर क्राउडेड था। ऐसे में इससे पहले अनुष्का विराट को कोई देख लेता उन्होंने वहाँ से निकलने का सोचा, लेकिन अनुष्का को डर था कि वो पकड़े जाएंगे। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर कर रहे हैं अब अपने फिटनेस पर फोकस। अर्जुन ने डिसाइड किया है कि अब वो जाएंगे ऑस्ट्रिया टू गेट फिट। ऑस्ट्रिया में है एक स्पा एंड डिटॉक्स सेंटर जहां पर होता है काफी स्ट्रिक्ट डाइट और नहीं है ये चीप। स्टार्स पे करते हैं एक हफ्ते के लिए अप टू 3 लाख। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय को कई बार उनकी फेक स्माइल और उनके गिगल के लिए टारगेट किया गया है और फिलहाल ए दिल है मुश्किल की सक्सेस से खुश ऐश ने कहा कि वो इसीलिए गिगल करती हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक लाइफ में बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है एंड शी कांट डू एनीथिंग एल्स देन गिगल। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने मनाया अपनी वाइफ किरण का बर्थडे इन अरुणाचल प्रदेश। जहां बी टाउन के स्टार्स प्रेफर करते हैं एग्जॉटिक फॉरेन लोकेशंस, वहीं आमिर ने प्रेफर किया अ ब्यूटीफुल इंडियन डेस्टिनेशन। ये आमिर की पहली हॉलिडे नहीं है इन द नॉर्थ ईस्ट। किरण का 40th बर्थडे भी मनाया आमिर ने असम में। 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर रिसेंटली पहुंचे एक कॉमेडी शो के सेट पर अपनी फिल्म रॉक ऑन 2 को प्रमोट करने और यहां इन स्टार्स ने की ढेर सारी मस्ती। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान काफी समय बाद अपनी फिल्म की शूटिंग नॉर्थ इंडिया में करेंगे। वेल, हम बात कर रहे हैं आनंद एल राय के प्रोजेक्ट द रिंग की, जिसकी शूटिंग मेरठ में होगी और जल्द ही शाहरुख के डायरेक्टर लोकेशन की रेकी के लिए वहां जाएंगे ताकि वहां के कल्चर और लोगों को समझ सके। इसके बाद शाहरुख फिल्म की शूटिंग के लिए मेरठ जाएंगे, लेकिन शाहरुख की फैन फॉलोइंग के चलते मेरठ में उनके लिए शूट करना काफी टफ हो सकता है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर के फ्रेंड्स एक वक्त पर उनके घर का खाना नहीं खाया करते थे। वेल, एक चैट शो पर पहुंचे शाहिद ने कैंडिडली कहा कि क्योंकि उन्हें कुकिंग नहीं आती है और वो सिर्फ चाय और पराठे ही बना सकते हैं और इसीलिए शादी से पहले ही यूज्ड टू हैव जेल फूड इन हिज हाउस, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मैरिज एंड फादरहुड हैव ऑल्टर्ड द स्पेस। शाहिद के साउंड प्रूफ स्टूडियो की जगह मीरा के वार्डरोब ने ले ली है और ओपन स्पेस उन्होंने अपने 2 मंथ ओल्ड बेबी के लिए नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया है। 30 खबरें फटाफट। पाकिस्तानी स्टार्स को इंडिया में बैन किए जाने के बाद खबर है कि एक लीडिंग म्यूजिक कंपनी ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की वजह से अपने म्यूजिक वीडियो को रिलीज ना करने का फैसला लिया है। ये म्यूजिक वीडियो आतिफ असलम ने टर्की में शूट किया था जिसमें उनके साथ इलियाना डिक्रूज फीचर की गई, लेकिन लीडिंग म्यूजिक कंपनी का कहना है कि आतिफ इलियाना म्यूजिक वीडियो अब तक शूट नहीं किया गया है। बट वी हैव स्नैपशॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट्स फ्रॉम द शूट। 30 खबरें फटाफट।
करिश्मा कपूर को संदीप तोशनीवाल के साथ किया गया स्पॉट। करिश्मा और उनके फ्रेंड संदीप तोशनीवाल की ये पिक्चर उस वक्त की है जब वो एक चाइनीज ईटरी से डिनर करके बाहर निकल रही थी। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर के अपने हस्बैंड संजय कपूर से अलग होने के बाद संदीप तोशनीवाल के साथ लिंकअप की न्यूज थी। 30 खबरें फटाफट। एक इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि वो प्रियंका को काफी इयर्स से जानती हैं और उनके बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दीपिका ने ये भी साफ कर दिया कि प्रियंका के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों की राहें अलग हैं। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, अजय देवगन अभी भी इसी इल्यूजन में है कि उनकी फिल्म शिवाय हिट होगी। तीस खबरें फटाफट। बॉलीवुड में हर स्टार को फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 23 साल की आलिया कैसे फेलियर को फेस करती हैं? ये उनके एक फैन ने पूछ लिया। वल आलिया ने फेलियर को अपनी मोटिवेशन बताते हुए कहा, फियर ऑफ फेलियर इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, सो आई फियर इट बट इट आल्सो मोटिवेट्स मी। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन अभी भी इसी इल्यूजन में है कि उनकी फिल्म शिवाय हिट होगी। अजय को लगता है कि बेटर फिल्म विल सस्टेन। रणबीर अनुष्का एश स्टारर ए दिल है मुश्किल के साथ हो रही शिवाय की बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर अजय का कहना है कि बोथ फिल्म्स आर डूइंग वेल। वेल अजय की शिवाय की ओपनिंग बहुत ठंडी रही है इन कंपैरिजन टू ए दिल है मुश्किल। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रोहित शेट्टी की नेक्स्ट गोलमाल फ्रेंचाइजी के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन कर लिया गया है। रिपोर्ट्स हैं कि पहले रोहित श्रद्धा को साइन करना चाहते थे, मगर जब श्रद्धा ने प्राइसी एक्ट किया तो उन्होंने परिणीति को साइन कर लिया। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान इन दिनों बन गई हैं एक टीनेज फैशनिस्टा। इन दिनों उनकी कई पिक्स इंटरनेट पर शेयर की जाती हैं, जिसमें शी हैज ऑलवेज बीन ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड शी इज जस्ट कैरिंग इट सो राइट कि हर टीनेजर उनको फॉलो करना चाहेगा। हम लाए हैं आपके लिए ये पिक्चर्स। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एमएस धोनी की सक्सेस के बाद थे सुपर एक्साइटेड, इन दिनों थोड़ा परेशान हैं बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टर्न द सक्सेस इनटू एंडोर्समेंट्स। सुशांत को लगता है कि उनकी सक्सेस के बावजूद उन्हें एड वर्ल्ड में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। सुशांत को लगता है कि उनके कम्पेटिटर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन को ज्यादा यूथ ब्रांड्स चेज कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाट ही इज वरीड अबाउट। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में शुरू हुए थिएटर एंड आर्ट फेस्टिवल पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में पहुंचे बी टाउन के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने इस इवेंट को बना दिया एक हाई प्रोफाइल इवेंट। वहां दिखे ऋषि कपूर विद वाइफ नीतू सिंह, विद्या बालन, सोहाली खान, कुणाल खेमू, श्याम बेनेगल, लारा दत्ता, जोया अख्तर, विशाल भारद्वाज, नंदिता दास, शशि कपूर साहब, उनके बेटे कुणाल कपूर विद हिज फैमिली और इनके अलावा भी कई सारे फिल्म फ्रेटर्निटी और थिएटर के लोग वहां दिखे इस थिएटर फेस्टिवल को अटेंड करते हुए। पृथ्वीराज कपूर की याद में शुरू किए गए इस फेस्टिवल को अब कुणाल कपूर संभालते हैं। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस की मराठी मूवी वेंटिलेटर की स्क्रीनिंग में पहुंचे बी टाउन के एक्टर्स और डायरेक्टर्स। वहां स्पॉट किए गए विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आशुतोष गोवारिकर, जो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ यहां अपने राम लखन अवतार में मिले और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए आए नजर। अनिल कपूर ने जैकी के पैर छुए, जिस पर जैकी ने आशीर्वाद देकर किया रिस्पॉन्ड। प्रियंका या उनकी मदर जो प्रोड्यूसर हैं वो तो यहाँ नजर नहीं आए, पर बाकी स्टारकास्ट ने ये स्क्रीनिंग अटेंड की। 30 खबरें फटाफट।
मुंबई के एक डेली में पब्लिश्ड न्यूज के अकॉर्डिंग उनके पास टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी और उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के लास्ट कॉन्वर्सेशन का ट्रांसक्रिप्ट है। उसमें प्रत्युषा राहुल को अपनी कंडीशन के लिए ब्लेम कर रही हैं और साथ ही उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने का इल्जाम लगा रही हैं। राहुल के ऊपर उनको सुसाइड के लिए उकसाने का केस ऑलरेडी फाइल्ड है। इस कॉन्वर्सेशन में राहुल उन्हें कह रहे हैं कि वो आधे घंटे में घर पहुंचेंगे, जिस पर प्रत्युषा ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा। मुंबई पुलिस केस की और तहकीकात में लगी है। 30 खबरें फटाफट। टीवी के फेमस शो बिग बॉस में बाबा आज भी दिखेंगे कुछ इमोशनल एक्टिंग करते हुए। कहीं उनका मोनालिसा के साथ डांस होगा तो कभी वो बहाएंगे आंसू। 30 खबरें फटाफट। संजय लीला भंसाली अपनी पीरियड ड्रामा पद्मावती के लिए हैं बहुत पोजेसिव। वेल, जैसे वो अपनी हर मूवी के लिए ही रहते हैं, मगर इस बार अपने फिल्म के लुक को लीक होने से बचाने के लिए SLB ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपने सेट पर लगा दी है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म में रणबीर और दीपिका के रोल को कन्फर्म किया था, जिस पर भंसाली ने उनको अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने के लिए फोर्स किया। भंसाली अपने एक्टर्स के लुक को रखना चाहते हैं एक बड़ा सीक्रेट।